उनके कंधे और हार्ट के बीच में फंसी हुई है। डॉक्टर्स यहाँ के जो सुपर स्पेशलिटी के हैं, राकेश सोनी और प्रियंक शर्मा और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो सब देख रहे हैं। तो डॉक्टरों को और बुलाने की बात कही गई है। भोपाल से चिरायु के डॉक्टर कनेरे पेंट से और उनकी टीम हेलीकॉप्टर से रवाना हो गई है, और जबलपुर से डॉक्टर निमेश वो रवाना हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि 2 घंटे के अंदर जबलपुर वाले डॉक्टर और 4 घंटे के अंदर भोपाल वाले डॉक्टर सब यहाँ जाएंगे। तब तक हितेंद्र शर्मा को स्टेबल रखने में हमारे मिनर्वा अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं और जो सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स यहाँ गए हैं वो कह रहे हैं कि 4-5 घंटे 6 घंटे इनको स्टेबल करने में हमें कोई परेशानी नहीं है, और ये डॉक्टर्स आ जाएंगे तो फिर पूरी टीम मिलके और यहाँ आगे का जो इलाज है वो शुरू होगा। अभी बाहर ले जाने के लिए डॉक्टर नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाहर के डॉक्टरों को यहाँ बुलाया है। तो हेलीकॉप्टर से भी और बाई रोड भी डॉक्टर जबलपुर से भोपाल से यहाँ आ रहे हैं। जिन डॉक्टर्स को दिखाने के लिए बाहर ले जाने की आवश्यकता थी उनको रीवा ही बुलाया जा रहा है, और बचाने की पूरी कोशिश पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, राज्य शासन अपने स्तर पर सारे प्रयास कर रहा है कि उनके जान को बचाया जा सके। अभी क्या है, घटनाओं के कारणों के बजाय इनको बचाने पर ज़्यादा फोकस है। बाकी चूँकि अपराधी जो है वो तो अभी कस्टडी में ही है, तो कारण वगैरह सब पता चलेंगे। जैसे अपराध तो हुआ ही है, लेकिन अभी पहली प्राथमिकता है TI हितेंद्र शर्मा की जान को बचाना, और उसके लिए जो भी प्रयास हैं वो सारे किए जा रहे हैं। जैसे कानून व्यवस्था रिगर में किस तरह से चल रहा है, अब वो क्या परिस्थिति है उसको जनरलाइज करके नहीं देखा जा सकता है, लेकिन आपको मालूम है कि कोई अपराध करता है तो अपराधियों को सजा देने में सरकार कोई कसर छोड़ती नहीं। ट्रांसफर को लेकर के कुछ विवाद चल रहा था, विवाद चलते हैं, लेकिन इस प्रकार के अपराध थोड़ी किए जाते हैं। विवाद तो बहुत रहते हैं, लेकिन इस प्रकार के अपराध को अंजाम देना ये कहीं ना कहीं मामा का बुलडोजर चलेगा, ये कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति को भी बताती है। आगने वाले समय में पता चलेगा, अभी तो हम सबको ध्यान इनके जीवन को बचाना है।